ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। दोस्तों, ये लाइनें हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी कि आज बजट पेश किया। इसमें उत्तर प्रदेश के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं की गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जब देश में इतनी बेरोजगारी है तो क्या फायदा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का। दोस्तों, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया और लिखा, ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है कि इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि आप यूपी का ही उदाहरण ले लीजिए, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वे समय से पूरे नहीं हो रहे हैं। अब सरकार बचानी है तो बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को विशेष योजनाएं दी गई हैं। यूपी जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या इस बजट में यहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार और उसकी कीमत के लिए कोई फैसला हुआ है? मोदी सरकार ने किसान की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है? इस सरकार में 10 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ी है, उनको ये कैसे कम करेंगे? ये लोग आधी अधूरी नौकरी देते हैं, एक साल या दो साल के लिए नौकरी देते हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, बजट में कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह कुर्सी बचाओ बजट है जो एनडीए में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए ये बजट है। ये बजट देश के लिए नहीं है, बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनका बंगाल से सफाया होगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक के बाद एक ट्वीट किए और मोदी सरकार को जमकर घेरा। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के इस बजट पर से नाराजगी जताई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि कमजोर तबके के सुधार के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने डर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनत कक्षों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा। दोस्तों, मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर एक के बाद एक तीन पोस्ट लगातार किए। उन्होंने लिखा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो पाएगा? देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला ना हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी, सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। वहीं दोस्तों, राबड़ी देवी ने तो मोदी सरकार के बजट को झुंझुना बता दिया है। वित्त मंत्री के पेश किए बजट पर बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए केवल झुंझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं हुई, उन्हें एनडीए को छोड़ देना चाहिए। राज्य में बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद बीज महंगा हो रहा है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, विपक्ष लगातार मोदी सरकार के बजट से नाराजगी जता रहा है। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री इस बजट की जमकर तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने बजट को निराश करने वाला बताया है। फिलहाल दोस्तों, आप मोदी सरकार के इस बजट से कितना खुश हैं और कितना प्रभावित हुए हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।